हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर। मतलब देखो साथ साथ पढ़ते भी चलते हैं और इसको करते भी चलते हैं। देखो द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ये मान लो ग्राउंड है आपके पास, ठीक है, यहाँ से 2 मीटर अबव एक विंडो है, क्लियर, यही बोल रहा है वो। फिर क्या बोल रहा है, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। मतलब ये विंडो लोअर हो गई, इससे जो अपर विंडो है वो कितनी ऊपर है, वर्टिकली 4 मीटर। मतलब इससे ये मान लो 4 मीटर ऊपर है ये वाली विंडो अब, क्लियर, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या बोल रहा है, एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो सबसे पहली बात तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून के लिए, तो बैलून क्या है, इनसे भी ऊपर है तभी एलिवेशन एंगल बनेंगे, ठीक है। तो मान लो ये रहा बैलून, ठीक है, ग्राउंड से ये रहा इतनी ऊपर, क्लियर है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन विंडोज से वो कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। तो 60 और 30 बोल रहा है वो रिस्पेक्टिवली, तो यानी कि 60 पहले कौन सी विंडो से होगा, 2 मीटर अबव वाली से होगा, क्योंकि पहली विंडो यही है और पहली के बारे में यहाँ पर ये पहले ही बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए रिस्पेक्टिवली से आपने समझ जाना है कि 2 मीटर वाली से ही हमें 60 डिग्री बनाना है। तो ये देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा, ठीक है, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, लाइन ऑफ साइट बना देंगे, ठीक है जी। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और यहाँ पर भी एक ये लाइन ऑफ साइट बनाएंगे, और ये एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री का। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता चलना चाहिए यहाँ से एंगल बड़ा ही बनेगा और यहाँ से एंगल छोटा ही बनेगा, तो 60 डिग्री यहीं आएगा और 30 डिग्री यहाँ आएगा, ठीक है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून बतानी है, मतलब हाइट ऑफ द बैलून ये है आपके पास, ठीक है ना, ये बतानी है आपको हाइट ऑफ द बैलून यहाँ पर, ठीक है, समझते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी नेमिंग दे दो अपनी मर्जी है आपकी, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, अब हमें ये पता है कि अगर ये बी सी 2 मीटर है तो ये ए जी भी कितनी है, 2 मीटर है। ये सी डी 4 मीटर है तो ये भी हमें पता है कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। तो यानी कि अगर हाइट ऑफ दिस बैलून हम बात कर रहे हैं तो हमें ये तो पता चल गया, यहाँ तक तो हमें पता है ये 6 मीटर है, मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए हमें ई एफ, और वो 6 मीटर इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे ना, तो हमें पता चल हाइट ऑफ द बैलून, ठीक है। तो ये हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं और ये वाली हम वाई कंसिडर कर लेते हैं, ये बेस ए बी, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा और ये भी वाई ही होगा, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, सिंपल है, ट्रायंगल कंसिडर करना है बस, जहाँ पर ये एंगल बने हमें 60 डिग्री वाला और ये 30 डिग्री वाला, ये वाले दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं, यहीं से कुछ बात बनेगी। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट ऑफ द जो बैलून है वो हमारे पास देखो 4 + 2 + ये एक्स होगी, तो एक्स देखते हैं क्या आएगी। देखो इन ट्रायंगल छोटे वाला ले लो पहले, ये ई एफ डी ले लो, ई एफ डी में, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे टेन 30, क्योंकि पी बाई बी का रिलेशन टेंजेंट में ही होता है। तो पी कितना है इसमें, एक्स हो गया और बेस हो गया वाई, टेन 30 पता है आपको 1/√3 होता है, और ये आ गया आपके पास एक्स बाय वाई, क्लियर है। यहाँ से देखो आप वाई की वैल्यू निकाल लो, तो वाई इज इक्वल टू में वाई इधर चला गया और ये एक्स रूट थ्री हो गया, ठीक है, इसको फर्स्ट कंसिडर कर लो। देखो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ से हम किसकी वैल्यू लें, ठीक है ना, कि भाई एक्स की लें या वाई की वैल्यू लें। तो देखो जैसे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। अब देखो जैसे मैं दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ये वाला कौन सा ट्रायंगल होगा, 60 डिग्री वाला, ये ई जी सी, ई जी सी में, तो देखो इसमें भी टेंजेंट 60 बनेगा, परपेंडिकुलर इसमें हो जाएगा हमारे पास ये 4 + x, ठीक है, क्योंकि ये देखो ना ई जी 4 + x हो जाएगा, और बेस है इसमें वाई। अब देखो जो मैं आपको बताया था टेन 60 तो यहाँ पर हो गया √3, ये आ गया 4 + x और ये आ गया वाई। अब देखो इसमें ऑब्वियसली बात है, मैं वाई की वैल्यू पुट करूंगा तभी एक्स आएगा ना, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो फिर तो वाई आ जाएगा, समझ पा रहे हो ये चीज़, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से आपको ऐसे ही देखना होता है, और नहीं तो जो मर्जी निकाल दो आप यहाँ से, कोई बात नहीं, यहाँ से वाई आएगा फिर वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक्स आ जाएगा, वो तो कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है इन क्वेश्चन में कि यहाँ से हम ऐसी वैल्यू लें जो यहाँ पर पुट करें। अब इसमें जब वाई की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो एक्स ही आएगा ना, तो यहाँ से फिर एक्स तो सॉल्व हो ही सकता है, समझ रहे हो। और दूसरी बात मैं क्या कह रहा था कि अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो y/√3 आएगा, वो y/√3 आप यहाँ x में डालोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यही होगा ना। देखो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते तो वो आती y/√3, ठीक है ना, और यहाँ पर आप x में डाल देते वो वैल्यू, तो यहाँ से y वैल्यू आती सोल्व करके, उस y को आप यहाँ पुट कर देते फिर भी x आ जाता, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता, समझ रहे हो, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था। तो यहाँ से आपको सोचना ऐसे ही है कि यहाँ y की वैल्यू हम निकाल दें ताकि यहाँ y की वैल्यू पुट हो जाए और वो x में ही आ जाएगी ये पूरी टर्म, फिर x की वैल्यू तो निकल ही सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर √3 और ये हो गया आपके पास 4 + x, और y की वैल्यू पुट करनी है अब हमें, तो y की वैल्यू कितनी है, x√3, और यहाँ ये सेकंड लिख देना और यहाँ लिख भी देना पुट फर्स्ट इन सेकंड, समझ रहे हो।
अब देखो जरा, एक्स रूट थ्री यहाँ पुट कर दिया हमने, एक्स रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रूट थ्री और मल्टीप्लाई में ये रूट थ्री और ये आ गया फोर प्लस में एक्स। अब देखो रूट थ्री क्या होता है, थ्री, क्योंकि यहाँ रूट थ्री का स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर किससे कट जाएगा, स्क्वेयर रूट से, तो थ्री ही बचेगा, ये आपको पता ही है। तो ये आ जाएगा यहाँ से थ्री एक्स, देखो ना ये रूट थ्री का स्क्वेयर हो जाएगा ना, तो स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर थ्री बचेगा ना, तो थ्री एक्स लिख दिया और ये है आपके पास फोर प्लस में एक्स। ये देखो थ्री एक्स माइनस में एक्स हो जाएगा, ये एक्स इधर जाके माइनस होगा, ये कितना आ गया टू एक्स इक्वल टू में फोर, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो अब, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब आपके पास फोर बाई टू, और ये टू टू ज़ा फोर, तो एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास टू। तो ये एक्स ही चाहिए था हमें, क्योंकि हाइट ऑफ द बैलून यहाँ पर हमें एक्स ही चाहिए, तो ये फोर प्लस में टू प्लस में एक्स कितना है टू, कितना हो गया फोर फाइव सिक्स, और ये टू ऐड करो सिक्स में एट, तो 8 मीटर हाइट ऑफ द बैलून आ गई है अबव द ग्राउंड। क्लियर है इतनी बात, तो ये आपके पास आंसर होगा। समझ में आई कहानी? ठीक है जी, ईजी था क्वेश्चन, तो ये एक्सरसाइज भी यहाँ आपकी कंप्लीट हो रही है। क्लियर, तो इसको अच्छे से कर लो। ओके जी, थैंक यू।